जितनी वैल्यू स्क्वीज आउट हो सके उतनी वैल्यू स्क्वीज आउट करना चाहते हैं। और देखिए अभी फाइनली ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी इस्तेमाल कर चुके हैं, एक हील स्पेल भी अवेलेबल है इनके पास, मोनोलिथ भी जा चुका है और माइनस तो बहुत बढ़िया कर रही है। क्वीन अभी तक जिंदा है, एक फ्री स्पेल है। ठीक है, टोर्नाडो ट्रैप यहां पर निकलता हुआ, बहुत सारा डैमेज, हेवी डैमेज। लकीली उन्होंने वहां पर एक फ्री स्पेल ऑलरेडी डिप्लॉय करा है, बट ओ हो हो हो, इट विल नॉट हिट इट मार्क। और बिग बॉम्ब भी निकल आया, सिचुएशन तो खतरी था। और वो एक बेबी ड्रैगन, बेबी इन्फर्नो ड्रैगन, आई डोंट थिंक सुधार तक सरवाइव कर पाएगा। विल ही? नो, नॉट। बट इनविजिबिलिटी स्पेल इन्वेस्ट करे उसके ऊपर, ओ माय गॉड, मोनोलिथ निकलना है। अरे इन्फो, नो, गीगा इन्फर्नो शायद ले जाएगा। एक और, एक और, नहीं एक और, एक और नहीं, वो तो मिल जाएगा, बस एक और चाहिए। ठीक है, टाउन हॉल गया, जैसे मैंने कहा था टाउन हॉल तो चला गया। ठीक है, तो अगर ठीक है, बिना पर सर्वाइव करती हुई डिगी, मैं बोल रहा हूँ मोनोलिथ तोड़ दो। मोनोलिथ गया, ट्रिपल हो गया, मोनोलिथ गया, ट्रिपल हो गया। रवि, बाय द वे, ओके, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जूलिया के साथ प्रॉब्लम होती है, वेरी वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है जूलिया पे। और राउंड में है, देखिए ये वेव भारी पड़ सकती है शुभम को। बट नहीं, कोई नहीं, खत्म करने की कगार पे आनी, क्लोज नहीं दे रहे पम्बो, यहाँ से कनेक्ट करते हुए नजरेंगे अर्सलान ऑन वेरी लो एचपीएनएस फॉर नॉकडाउन। रेज आती भी अर्सलान के पास, बट आई थिंक दिस गेम इज डन। शुभम वॉकिंग अवे विद एन इनक्रेडिबल से मोमेंट जो भुलाना चाहेंगे, बट इस बार एक जीत के साथ शुरुआत करना चाह ही रहे थे। स्काई शॉट मारा, इनफैक्ट आखिरी कुछ गेंदों में वो पावर शॉट्स लेना चाहेंगे, वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने लगभग सारा काम तो कर दिया। 26 रन तो थोड़ा सा मुश्किल तो होने वाला है लक्ष्य इनके लिए, बट बल्ला वापस से घुमाया इस बार और इस बार तो फील्डर भी मौजूद थे। उसके बाद इन्होंने 3 बाउंड्रीज लगातार जड़ दिए थे, इस बार भी एक बड़े शॉट का प्रयास, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बट ये सेकेंड रन भारी पड़ सकता है। यहाँ पर स्कोर फिर से दूसरी गेंद पे एक बल्ला घुमा के शॉट लेने की कोशिश करेंगे, ओ ये भारी की, और इस बार हैट्रिक पे है, बल्ला घुमाया है और लपक लिया, 50-50 पे आ गए हैं। ये ओवर बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट ये बॉल बहुत ज्यादा क्रूशियल था, थर्ड मैन की तरफ घुमाया, बट इस बार वाओ ब्यूटीफुल मूव। मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर वो नाइट उधर लेके आ गया तो क्वीन पे अटैक होगा, और अभी अगर आप देख सकते हो तो बिशप मारेगा और फिर सेंटर भी काफी अटैकिंग हो जाएगा। नाउ इट इफ सी टेक्स, दैट्स अ ब्लंडर, इट्स अ बिग ब्लंडर, इट्स अ बिग बिग ब्लंडर। अगर वो पॉन नाइट से पॉन को मारता है तो फिर रुक हैंगिंग हो जाएगा। He has to give us the queen, yaar. Why take pawn ke liye gaya, yaar? This was a very greedy move by white, yaar. Dekha hai re queen hanging hai. Free, it's a mate in three. Forced mate in three. Rook to check dega. Uske baad king andar jayega. Knight ko maar dega. And it's over. It's all over. Beautiful game.